24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ साक्षी। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां समान थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में रहने वाली महिला आरक्षक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। गनीमत रही कि समय पर परिजनों को जानकारी हो गई तो फंदा काटकर उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया है। महिला आरक्षक संध्या वर्मा अपने परिवार के साथ नेहरू नगर में रह रही थी, जो कोर्ट मुंशी थी। आरक्षक ने किन कारणों के चलते आत्मघाती कदम उठाया है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। उठाए गए आत्मघाती कदम के संबंध में समान थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी पटेल ने बताया कि पारिवारिक कलह के चलते आत्मघाती कदम उठाया था, जिनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि लगातार पुलिसकर्मी तनाव झेल रहे हैं। अभी गत दिनों एक निरीक्षक को सब इंस्पेक्टर ने गोली मार दी थी, वहीं कई पुलिसकर्मी आत्मघाती कदम उठा चुके हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि पुलिसकर्मियों के तनाव को दूर करने के लिए कुछ प्रयास करे। महिला आरक्षक संध्या वर्मा है, जो कोर्ट में काम करती है, नेहरू नगर में रहती है और घर में कोई घरेलू आपसी तनाव में आकर के कोई बात को ले कर घरेलू बातों को लेकर फांसी लगाने का प्रयास किया था, लेकिन समय पे घर वालों ने उसको जो है, ये अभी पुलिस लाइन से जो है कोर्ट में काम करती है, कोर्ट मुंशी के रूप में काम करती है। अभी कैसी हालत है? अभी हालत ठीक है, डॉक्टर से बात हुई, ठीक है, हालत ठीक है। थैंक यू।